Is that taken? ने भी लिया
कृष्ण के सद्भावों को मधुमंगल की गीतों की पैरों में बांधी, कृष्ण को भी उनकी पैरों में बांधी, सारे सद्भावों को की चोटियां पैरों में बांधी और कृष्ण को लहंगा कुंडली पहनाकर गोपी व्यास गोपी वेश बनाया, सिर पर भटकी रखती भटके गति की अल्लाह सखी जी ने पंकड़ पार करके उसको तोड़ दिया और कृष्ण कड़ी से स्नान कर लिए और राधा जी के चरणों में गिराया और बोले जैसे तुम प्रतिज्ञा करो कान पकड़ करके और फिर ऐसा नहीं करूंगा। यह सभी को इसी तरह से विलासगढ़ की बहुत सी लीलाएं कभी कभी राधा जी रूठ जाने पर कृष्णा क्या होता कभी हारी थी कभी पाली थी कभी और किसी स्त्री का वेश बनाकर और साथ विभिन्न स्त्रियों का वेश बनाकर और उनका मान भंजन करने के लिए वहां इसलिए उसको मान कर देखा है। विलासगढ़ में बच्चे के समय में करते थे धूप का अपना घर बनाते थे और कृष्ण ही आकर के कहीं धूप कृष्ण बनाते थे तो वो तोड़ देते। इस प्रकार से दोनों में कलह होता ये सब विलास की लीलाएं हुआ करते। कभी कृष्ण श्यामा माली बन कर आए राधा जी को मनाने के लिए, राधा जी ने बहुत मान किया अब उसे बात ही नहीं करता। की शर्मा ने कहा ब्रज के किसी गांव से एक बाली लाएंगे जो वो क्लांत हो गया उसका पैर दबा दे हम दबा दे तो एक छठ आप जरा देखिए तो बुला करके चलता विशाखा के खाने से उसको बुलाया श्यामा माली ने। उसकी बातें भी उससे बड़ी मीठी मीठी बातें राधा जी मुक्त हो गई पहचान नहीं सके। फिर जब अंदर दबाने का हुआ तो समझ गई ये कृष्ण के अंदर दूसरा कोई बोल नहीं सकता। राधा जी ने दलिता की शाखा से कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं इससे बहुत अच्छी बात है मैं इसकी सेवा से प्रसन्न हूं इसलिए हम इसको कुछ इनाम देना चाहते हैं पारितोषिक देना चाहते इसको नए नए वस्त्र ले आओ पुराने वस्त्रों को हटा दे पता करता है नया वस्त्र इसको धारण करो। देखा जी और क्या करें सारी कुछ ब्राह्मण करें टोपियों में पकड़ लिया छोड़ा नहीं
लगी है वो इसकी काफी बात और फिर आगे भी चेष्टा कर रहा हूँ और तो ललता विशाखा दूसरों ने पकड़ लिया हमको अच्छी तरह से और पकड़ करके नया वस्त्र पहनाएगी। पहले लहंगा पहनाया, इसके बाद में ऊपर से होली देगी, इसके बाद में नया अनु रक्षा वाला अंगा फाल किया तो वो पहन जब बनाने लगी तो कदम बगी फूल बस हो गया ताली बजा करके इस प्रकार से वहां पर बहुत सी लीलाएं कभी कभी पितृगृह से नंदराम और परसाना के बीच में साकेत स्थान कभी जाऊ से आती थी और कभी बरसाना से और वहां पर मिलती साकेत वहां की अभिशाल इत्यादि सब विधायक होती थी। इस प्रकार से बरसाने में बहुत तरह की लीलाएं कर सकते साकेत संकेत बंद दोनों के बीच में और उनकी अटारी पर खड़ी होने पर अपने आप में वहीं से राधिका जी कृष्ण को और कृष्ण वहां से राधिका जी को देख सकते नंद इसलिए बरसाना में विश्वभानु भवन इस तरफ है इधर उत्तर की तरफ और उधर से वो दक्षिण की तरफ नीचे पहाड़ी के नीचे ये भी पहाड़ी के नीचे इसलिए वहां पर अभिशाद इत्यादि वहां पर सब विधायक हुआ विशेष करके अभी आप लोग सूर्यकुंड गए सूर्यकुंड हमारे संप्रदाय का हमारे संप्रदाय का एक प्रधान स्थान है। चावल को और सूर्य कुंड को दूसरे संप्रदाय वाले उनकी प्रधानता नहीं मानते हैं उनका विचार का खंडन हो जाएगा। ये दोनों स्थान पार्टी है पार्टी भाव चावट में श्रीमती जी राधिका जी और उनकी सहेलियों की शादी के विवाह का उसमें औपपत्य भाव कृष्ण से उनका और यहां पर भी वही है औपत्य भाव से
वो भी आदि की मित्र की पूजा करते थे। मित्र के अर्थ दो होते हैं, एक सखा और दूसरा होता है शुद्ध। इसे बहाना बना करके शुद्ध की पूजा करने के लिए श्रीमती जी वहां आती थी और कृष्ण जी को जाने के लिए मधुमंगल को लेकर के पट बंद करके आते, उसी बगल में ले लेते इधर कर लेते और देखकर के वहां पर मधुमंगल के सहित वहां पर उपस्थित होता। चटना कभी इतनी देरी लगा दी, तुम लोग अभी पूजा नहीं की, आज पट नहीं मिल रहा है तो पूजा करा सकते। विशाखा लगता है जूता भी खोज कर दिलाओ कोई जो पूजा करा सके। द्वार कृष्ण बीच में भी गए भगवंत, बताया कि हम काली के पुत्र हैं, गर्दाचार्य के शिष्य और हमारा काम ही यही है पूजा पाठ इत्यादि का। व्यवसाय क्या देते व्यवसाय हम कुछ नहीं एकदम है तो ठीक है। गड्ढा ने उनको देखा और देखकर अजय तो अच्छे पंडित है, कर्काचार्य जी का शिष्य बुलाओ। उन्होंने किया ओम मित्राय, मित्राय मैंने सखा, सखाई सब कुछ ऐसे सखा के लिए राधा जी से पूजा कर पूजा संपन्न होने पर वो अर्थ नहीं समझ सके द्वारा पर और सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। अंत में सुधी को पूजा करके उसे वर मंगा के मित्र के चरणों में हमारा अनुराग्रह राधा का अनुराग्रह पढ़ना। गंगा जी ऐसी पूजा देकर के बड़ी प्रसन्न हुई, कभी कुछ नहीं लेते हो तो अंतता हम उठी लेते। इसी प्रकार से मधुमुखी थे और कुछ लड्डू लड्डू दिए, मधुमंगल बहुत प्रसन्न हुआ, उसको बांध दिए, पूजा करा करके ऊर्जा से चली गई। क्या सावट दर्शा हाँ प्रणाम कर रहे थे और उस समय में मधुमंगल और कृष्ण लेकर के लौटे, देखा जैसे ये तो कुछ दे आया है, वो अपनी पोटली में अच्छी तरह से बांध ली, जब बैठा तो नीचे शुरू कर दिया। सदेव जी ने कहा वो पोटली में क्या ला रहा है, उसने आंख बंद कर दिया और दूसरे साथ उसने टीचर के उसको उठा करके और स्किन करके करके बस चार बांट करके खा लिया। अब ये बहुत बुरा भिड़ाने का और बोला कि अभी संपात नहीं आंख बंद दे दिया जाए अभी संपात बाद कृष्ण ने आकर के उसको मनाया। ये पार्टी खाओ चुकी है यहां भी, इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने हमारे आचार्य लोग जॉब में भी है और यहां तो सप्तम में रह करके भजन किया हमारे जगन्नाथ दास उनके दूर पर। Thank you.
बाबा जी वो जी सोनाता पार्टी की लाइन होते वो अपने खुद से भी वो और वही पर बहुत सोचास के बाद भक्ति विनोद ठाकुर सब जाते थे सूत्र को इसलिए हम लोग भी उसकी प्रधानता देते जरूर क्या आज कल हमारे सब बताए थे एक है पंचपुर के पास पहले आया था कि हम इसका संस्कार कराना चाहते हैं हमने कुछ दिया था 20-25 हजार रुपया इसके बाद में फिर अच्छी तरह से सुनते हैं बन के आए अच्छा बनाया वो बन गया सुविधा भी बन गया रहने का स्थान भी बन गया है खाना भी शायद बना है और उधर यहाँ पर मधुसूदन बाबा जी करते थे और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को छोटा स्थान वो स्थान पर अभी भी बढ़िया चुनाव कराते हैं और कुछ बाबा जी जो करते Today we went to many places, especially Darshana. Srimati Radhika was born in Yavat, but her Pauranda and Kishore Leelas took place in Darshana and in Yavat. She was born in Rahul, but her Pauranda and Kishore pastimes took place in Darshana and Yavat. That place is full of Vatsali Ras. There today we went to Sakri Kaur. There Krishna demanded tax from the gopis. And the gopis in retaliation bound the seekers of Krishna Sakas to the trees. They dressed Krishna in the dress of a woman and put some pots of yogurt on his head and the Lita threw a stone and gave Krishna Abhishek. Krishna was forced to bow down to the feet of Radhika and promise, I will never do such activities again. Today we went to Manga. There are many pastimes took place there. Sometimes, in order to break the man, the anger mood of Radhika, Krishna becomes dressed as a flower seller, as a bangle seller, as a hairdressing lady, and goes there to break her angry mood. There is Vilaska, where Radha and Krishna used to make some clay designs, and each would break the others. Sometimes Radhika's mood is so strong that Krishna comes dressed as Shyam Malini, as a hairdresser woman. Lalita Vishaka indicated to Radhika, this girl is very expert massager, and she comes from an outside village. Therefore, on the recommendation of Lalita Vishaka, then Krishna entered, but Radhika could not understand that it's Krishna. How sweet was his talking! But then Radhika could understand that the person who was touching me must only be Krishna, it cannot be a second person. Therefore she said, oh, Shyam, Malini, I am very happy with you. You are very expert. I want to give you some reward. I want to give you a new dress. In fact, I want to dress you right now. Krishna became worried, but he could not escape. The gopis grabbed him and began to dress him by force. That time, two Kadamba flowers that he kept underneath his blouse fell out, and all the sakis began clapping their hands and laughing. Therefore, half between her father's house and Nandagaon is
one secret forest called Sankhya. Therefore, it is halfway to Nandagaon from Varshanam, also from Yavat. There sometimes Radha Krishna exchange meetings by glance, and sometimes they meet directly. Srimati Radhika's father's house is in the north of Brahmaparva, and Sankhya is in the south. Therefore, it facilitates easy meeting of Radha and Krishna. We went to Suryakund also, which is a very prominent place in our Sampradaya. Other Sampradayas cannot understand the importance of Yavat and Suryakund, because that place is establishing very prominently the Mudra Parakya Ras, unwedded relationship between Radha and Krishna. There, Radhika and the Sakis go to worship Mitra. Mitra has two meanings. One means friend, and the other one is the sun god. Therefore, using the excuse for worshipping the sun god, Radhika and the gopis go there. Krishna is out cow grazing, but he escapes with his friend Madhu Mangal, and they become dressed as Brahmin boys. Jatila comes there and chastises Srimati Radhika, "Oh, you have not begun your puja." Then Vishaka and the ladies said, "Oh, we could not find any Brahman." Then Vishaka, she went and found Krishna and Madhu Mangal, who disguised themselves as Brahman boys. Krishna and Madhu Mangal said, "We are disciples of Gaudacharya, and our expertise is actually in Seva Puja, and we never accept any donations." Therefore, Jatila was very happy. And as Krishna was chanting the mantras, "Om Mitraya Swaha," then two meanings were there. Jatila could not understand the real meaning that Krishna was indicating to Radhika. "Oh Radhika, Om Mitraya Swaha, you should give everything to your friend." But the gopis became very happy at all this. Then last, the benediction was given by the sun god. "May you have Anurag, may you have deep attachment to Mitra." That means Krishna also. Jatila was so happy, but Krishna would not accept the donation. Finally, she took off her own ring and gave it to Krishna, and many ladus were there, kept by Madhu Mangal. Then Jatila had to give pranam to the Brahmins, Madhu Mangal and Krishna. Therefore, Madhu Mangal became very happy. He bound those ladus in his cloth very greedily. And as he returned home, then all the other sakis asked, "Hey, what's that in your cloth?" One sakit came and bound, closed Madhu Mangal's eyes from behind, and while he was distracted, they stole the ladders. Madhu Mangal began crying, became very angry. "Oh, I am Brahman. I will give you curse." Then Krishna pacified him. Also there is the Samadhi Stali of Sri Madhusudan Das Babaji Maharaj. He's in the line of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. He's also the Shikshaguru of Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, who is a Vaishnava Shikshaguru of Sri Govardhana Das Babaji Maharaj. So we are good fortune that now that place, Gurudev had given some money to begin the work, but the disciples of Bhakti Kumar Sandha Maharaj have since nicely established that Suryakund temple, including some places of accommodation, and nicely the worship is going on there. And in Madhusudan Das Babaji Maharaj, there are some Babajis that are also doing. किसी किसी काल में बरसाना में विश्वभानु कुंडले राधिका जी का जन्म होता है। इस कल्प में राहुल में उनको और किसी कल्पों में रात नहीं पड़ता विश्वभानु कुंड में, इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्णा। वहीं पर कमल की लाल राधा सवेरे विश्वभानु महाराज के स्नान करने और अष्टदल कमल के ऊपर में छोटी सी बालिका परम सुंदरी मुख में अंगूठा पैर का लेकर के स्तुति भी उनको मिली। बड़े प्रसन्न हुए थे भगवान ने। हमारा एक लड़का है और लड़की है और दूसरा संतान है, बड़ा उनको हृदय से आनंद हुआ, गोदी में उठा लिया और घर में आकर के पिता। क्योंकि विश्वभानु
जिन्हें इनको ले आया, इसे इनका अधिक त्याग था, इसलिए दुष्मान बन गई। बासमान और सब कितना नाम उनका है दुष्मान के ऊपर, इनका अधिक था। यशोदा नंदन अधिक, यशोदा जी का स्ने क्योंकि उनको इस तरह से टीवी कोखर मेरी कोखर में राधा जी कौवल्य की अवस्था में शक्तियों के साथ में श्रीमती यशोदा का अत्यंत स्नेह पाने के लिए जाता है। एक बार यशोदा मैया जैसे हमारे घर की बहू को करके आया, बड़ी लाड प्यार से उसके हाथों में जल्दी लगा दिया घर की बहू राधा जी बहुत लज्जित थे और वहां से निकल करके आकर के अपने हाथों को खोया जिस पोखर में कोई टीवी पोखर हो अथवा पीजू के बहुत से पेड़ थे पिछले दो चार के समय में वहां पर पीजू के हम खाया करते इसलिए टीवी पोखर और भी तरह तरह की डिजाइन है। सभी लोग आकर के प्लान का सारा भी घूमा है, रास्ता भी बहुत खराब था ऊपर था, इसलिए अभी मतदाता ये पर किसान कल एकादशी कल बहुत से लोग बहुत खुश होता है महाराज जी का शिव भाव बहुत सौ होता और विश्व पंचम जो किसी कारण से अच्छी तरह से पूरा कार्तिक वर्ष नहीं किए हैं एकादशी से पूर्णिमा तक करने से विश्व पंचम है उसका फल पूरा मिल जाता है। इसलिए विश्व पंचम एक पर्व था तो आप लोगों ने भी जिन लोगों ने कार्तिक महीना अच्छी तरह से नहीं विशेष करके आप लोग अपने देश के हो या विदेशी हो वेदर इंडियन डिवोटी गॉड नॉट डिवोटी यू आर वेरी वेरी लकी। नारद जी ने वर मांगा था कृष्ण से आपकी ऐसी विचित्र वस्तु मिल जाए भावशाली मिल जाए उन्हें स्थान में जो जाएगा और जो जो उन्हीं की कथाओं को जो सुनेंगे उसको ऐसी आप हमको इसलिए एक वर्ष गए फिर आप सो जाए ऐसा उचित नहीं। जाने से अवश्य ही वो प्रतिका प्रेम गोपियों का प्रेम देनी चाहिए वो भी नहीं मिला पिछले कष्ट होने पर भी जाना चाहिए और नारद जी की कृपा से वर्ष कृष्ण की कृपा भी वर्षित हो उनका वर्ण मिला हो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि पूर्व स्थानों में कष्ट करके गए हैं कुछ लोग नहीं जा सके अस्वस्थ होने के कारण कोई बात नहीं अभी और एक प्रधान स्थान खरीद गई है जावर टोपिया रंग बैठान छोटी बैठान बड़ी बैठान और
चरण पहाड़ी को आशीर्वाद ये सब रह गए हैं एक दिन और इसलिए खूब लालसा के साथ में पानी के लिए जाओ यीशु को दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन वी कैन अचीव बाई गोइंग टू दैट आई विल ऑल्सो प्रे टू कृष्ण टू प्रोग्राम दैट योर डिजायर टू फुल আমি শুনছি যে বহু বাঙালি ভক্তরা গিরিরাজ নিজে থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে যদি সর্বনাশ নিজের কত হয় তাহলে নিজে থেকে তুলে নিয়ে নিয়ে যাবে খবরদার যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন ওখানে রেখে দেয় নাকি একেবারে সর্বনাশ যদি নিতে হয় তাহলে তত পরিমাণে সোনা রেখে আর গুরু বৈষ্ণবের কাছে থেকে নিয়ে তা করবে অনেক সর্বনাশ অসম্ভব এইটা নিচে রেখে নিয়ে I heard that so many devotees have picked up Giriraj Govardhan Sita. I know after some day, sometime you will neglect. And thus, what will be? You will lose your bhakti and everything. If they keep gold like that, you may. And take by Guru or Vaishnava or Pratipas. If anyone wants to cut your hand and to take, okay? This Ausila government, they don't want to settle. But if you know, you have to pay. Hare Krishna, some devotees have requested that they saw their name for initiation. So after class, they can register their name in Jiva Priya Prabhu. Tomorrow will be initiation, Parinama and Diksha. So tomorrow is not first day, tomorrow is the last and final initiation day in Damodar Road. So I am requesting whoever deserves for initiation, they can register their name in Jiva Priya Prabhu. Kichu Bhakta Binda, Parinama and Diksha Duna Nama Likheshilan, তার পাশের প্রোগ্রামের জন্য আসতে পারেন নাই অনুরোধ করছি তারা জীব প্রকারের নাম যেন লিখিয়ে দেন আগামীকাল একাদশ তিথিতে হরিনাম দীক্ষা হবে কিছু ভক্ত লোকের হরিনাম দীক্ষা কে লিয়ে অনুরোধ দিয়া থা এবং নাম লিখা থা বাস প্রোগ্রাম কে কারণ নেই আ সকে কল একাদশ তিথি হ্যায় কল আখির দীক্ষা হরিনাম কি তিথি হ্যায় লোক আপনে জীব জীব নাম লিখাবে কল 9:30 বাজে টুমারো 9:30 AM হরে কৃষ্ণ Jiva Priya will be there near Book Devil. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. There was just quickly, sometimes in different yugas, Radhika takes birth in Varsana and sometimes in Rabo. But in this Gopi Yuga, she took birth in Rabo. There early one morning, Vishwabhadraj saw 1,000 petal lotus, very bright. He saw on that lotus was one very divine shining girl who was laughing. Therefore Vishwabhadraj had one son, Shidam, but no daughter. Therefore very happily he took up that girl, who was Radhika, and gave to his wife, Kitika. Therefore Srimati Radhika is mostly known as Vishwabhadranandini, because Vishwabhadra Maharaj has special affection for Radhika, even more than Kitika Sundari. In the same way, Krishna is mostly known as Yasoda Nandan, because Krishna took birth from her womb, therefore he has special affection for her. Today we went to Puli Pukur.
At towards the end of Radhika's Bhagavan age, then when Mother Yasoda used to see Radhika, her heart became full with affection, and she thought, oh, she would be the perfect daughter-in-law. Therefore, in Vedic culture, when you accept the daughter-in-law, you cover her hand into it. Therefore, Radhika became most shy. She became most shy, therefore she tried to disguise by... Therefore she tried to disguise the fact that Mother Yasoda had colored her hand by washing it. Therefore that one became pili or yellow. Also in that place there are many pili trees. Therefore for that name it's also known as Pili Mukur. Tomorrow is Ekadasi. If one could not follow all the rules and regulations of Kartik completely, if one follows very strictly from this Ekadasi to the full moon, then the result they can achieve the same. Therefore it's known as Bhishma Pancha. Tomorrow is also the disappearance festival of Sri Gaurika Shodas Bhavati Maharaj. How much we are fortunate to come on this Vrindavan Parikram. Even though it is so much difficult and the road is very bad, we should not think, oh, I've done this Parikram so many times, I will not go tomorrow. Narada Muni asked the benediction from Krishna. Oh Krishna, I want you to bless me that anyone who comes to Brajananda and touching the dust of these places, hears the pastimes that occurred there, they will definitely achieve Krishna Prem. Therefore, by the blessings of Narada Muni, that availability of Krishna Prem is now certain for us. Therefore, we should not neglect going to these pastime places and hearing, because the results of this parakram is very